यहाँ पे पता नहीं अंकल बोल रहे हैं रोने की आवाज आ रही है, यहाँ पहले नीचे देख लेते ना। इस जंगली इलाके में जहाँ पे लोग अक्सर सुअर पकड़ने वाले शिकंजे लगाते हैं, वहाँ पे किसी डॉग के रोने की आवाज आ रही थी, ऐसा हमें कुछ लोगों ने फोन करके बताया था। एक बार हमारी टीम पहले भी जा चुकी थी पर उनके हाथ नाकामयाबी ही लगी थी और आज वो दूसरी बार जा रहे थे। साहिल मेरा हाथ पकड़ पकड़ के चल लेना भाई। ये भाई ये मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, दो गिरेगा मेरे को भी गिरा, जो दो चार दिन जीना है वो भी नहीं जीने देगा। तेरे को तो आदत होगी साहिल ऐसे रास्ते पे चलने की। सुन सुन मैं जंगल में रहता हूँ। फोटो क्रॉस कर रहे हैं अभी, ये बॉर्डर की ये पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। यहाँ पाँव देखना एक लगे हैं, पहले से बंद पड़ा है, शायद हो सकता है बारिश से गिरी है ना, तो ये इसके ऊपर ज्यादा जैसे कुछ भी टच हो तो वो बंद हो जाता है ना। ये तो ऐसे खुलता ना, ये नीचे होता है और इसके बीच में जाता है। ये ले चले ना साथ में हम। हाँ लेके चलेंगे इसको। ये कुत्ता रो रहा ठीक है आई थी ना, कुत्ता रो रहा, कुत्ता रो रहा है पीछे है ना, आवाज तो आई कुत्ते की रोने की आई है ना। ए ऊपर जा रहे हो? ऊपर ही है, ऊपर ही है, नीचे ही भाई, नीचे ही है ना भाई। मैं तो कह रहा जल्दी चलते हैं, चुप हो जाएगा नहीं तो। जहाँ से कुत्ते रो रहा था रस्सी वस्सी पैको ना। चढ़ू कैसे? नहीं इसको पकड़, आ जाऊंगा पकड़ क्या मेरे को गिराता ना। चल ये वाला जंगल तो और भी खतरनाक लग रहा है मेरे को। ये फिसलेंगे ज्यादा, घास कम है इसमें। हाँ फिसलन ज्यादा होगी। पक्षी मर गए यार, मर गए, जिंदा है, पेड़ के नीचे दब गया, दब के मर गया यार ये तूफान के कारण। आगे बाबे, आगे बाबे, थक गए बाबे। हम कहाँ हैं? वो पूछेंगे, यहाँ कुत्ता रो रहा था ना, नवीन पूछेगा भी, फ्रेंड है इसका। भाई क्या भाई थी कुत्ती, कुत्ता हर रोदा, कुत्ता कुत्ता हर रोदा है, दो तीन दिन हुई थी रोंदे, आऊ आऊ करा था। वहाँ जाके हमें यही पता लगा कि भाई वो तो शायद किसी का पालतू डॉग था जो बंदा होने की वजह से रो रहा होगा। पर अच्छा ही है कि हम वहाँ पे चले गए और हमने वहाँ से एक शिकंजा हटा दिया और उस पालतू डॉग के रोने ने किसी और जानवर को रोने से बचा दिया। तुमने देखा हमारा नया सिस्टम है कि जो जो बैलों के मारने का खतरा है उनके अभी रेड है वो मूर्ख। चूचू मत मार, मैंने चप्पल पहन रखी है भाई आज। यस कल उसकी सर्जरी हुई है ना बस की, उसको भी धूप में नहीं रखना है। नहीं सर बाहर नहीं ला रहे हैं क्योंकि अगर एक भी बार स्लिप हुई ना तो पेट में प्रेशर पड़ेगा। अभी भी काफी पोर्शन है उभरा हुआ। हाँ। क्योंकि वो बहुत पुराना डैमेज है ना। एक सर्जरी में काम हो जाएगा बट टाइम लगेगा तो या अभी मल्टीपल सर्जरी हो सकता है? नहीं मल्टीपल का तो नहीं बोला, वो स्ट्रेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो हिस्सा फटा था वो उन्होंने वापस से सील कर दिया है। लेकिन मतलब रप्चर्ड था हिस्सा, उन्होंने काटा फिर पेट को अंदर किया, फिर वो मैश लगाया जो हमने अमृतसर से मंगाया था स्पेशल, राजीव भैया ने अमृतसर से मंगा दिया एकदम समय रहते तो भाई। हाँ, बिल्कुल टाइम पे आ गया। वो प्रेग्नेंट भी थी। एबॉर्ट कर दिया? नहीं अभी नहीं किया। अभी नहीं किया? कितने महीने प्रेग्नेंट थी? अभी इनिशियल था। डॉक्टर मानसो से बात हुई, बोले अभी नहीं कर सकते, करेंगे। ये लोग एनिमल लोग स्टोइक होते हैं कितना, मतलब रिएक्ट नहीं करते इतना। देखो भाई हमारी ऐसे सर्जरी वर्जरी हो रखी तो हम ऐसे निकल के मैं ऐसे कमरे से मैगी खाऊं ऐसा कभी ना हो। ये अभी आपने क्या हाथी घास दिया इसको? हाथी घास भी अगर आपने भी गाय रखी हुई है तो ये नेपियर ग्रास होती है, ये लगानी चाहिए, 12 महीने लगी रहती है। तो अभी जैसे हमारा सारा जो पहले वाली घास है वो कट गई, जॉई लगा रखी थी, अभी बाजरा हमने लगा दिया लेकिन उगने में समय लगेगा, तो वो जो महीने दो का समय है ना वो इस वाली घास से हमारा कट जाता है। बाकी शतूत तो हम बकरियों को ही दे रहे हैं काट काट के, गाय को तो नहीं मिल रहा। तो अगर आपने कोई रेस्क्यू शुरू किया है, छोटा गाय का शेल्टर शुरू किया है, तो केले लगाओ, शहतूत लगाओ, हाथी घास लगाओ।
परमानेंट आपका ये चला रहेगा। ये जादूगर जाने में कितना समय? हाँ जी मैं आपसे बात की है, बोल रहे मैम गाड़ी अरेंज हो जाती है तो आके ले जाएंगे। कहाँ से? देहरा से। हाँ मैं बहुत बड़ा उसको मैगेट मून था, ये पूरा हिस्सा उसका खाया हुआ था, मून तो लगभग पूरा हील हो गया था, इतना सा पोर्शन रह गया था। जो केयर टेकर्स थे उनसे बात की हमने कि वो आगे का जो वून हीलिंग है उसको मैनेज कर लें अगर स्ट्रीट पे, कि दिन में 3 बार उसको ऑइंटमेंट लगानी है, तो वो भी मान गए थे। डॉग भी बहुत फ्रेंडली था तो हमने उसको रिलीज कर दिया। अभी तो बड़ा गया था तू हो गया ना, खेलते कूदते बढ़िया से तो सेहत भी बन गई। आहट को सेंचुरी कब शिफ्ट करना है? अभी तो नहीं, ये तो बढ़िया है ना, यहाँ खुश है। मैं वो तो खुश है लेकिन एक जगह तो रुक रही है ना वो जो सर। अभी तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है ना, इसके लिए तो हमें पता था कि इसकी ट्रीटमेंट लंबी चलेगी। हाँ तो पर इसकी ट्रीटमेंट लंबी है और एवरी डे नहीं है। एवरी डे और हेल्थ चेकअप भी होता है इसका। हाँ वहाँ पे आँखों से ओझल थोड़ा डिहाइड्रेशन है, सब कुछ चेक करना है। यहाँ रहेगी तो ईजिली मैनेज हो जाएगा। सेंचुरी में रास्ते का बड़ा चक्कर पड़ा, क्या हुआ? पुलिस ने मदद नहीं करी, कुछ नहीं करा, फिर अल्टीमेटली मुझे थोड़ा जो साहब रास्ता रोक रहे थे उनसे थोड़ा हार्शली करनी पड़ी बात। अभी तो ठीक चला है, देखना पर ऐसे आउट ऑफ कैरेक्टर जाके करना मुझे अच्छा नहीं लगता। फुल हो गए ना अडॉप्टेबल जमाने। कौन कौन है अडॉप्टेबल? तू भी जो 4 साल बाद वापस आया जी। फिर अपनी ये जो धनिया जो अभी वापस आ गई, धनिया भिंडी, उसके अलावा हंसी है, हंसी हाँ। हंसी है, उसके अलावा ब्रेन है हाँ। और हमारी भिंडी है। तुम लोग नया टाइप का एनरिचमेंट भी कर रहे हो ना कुछ? हाँ आज इनका एनरिचमेंट जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये कैनल्स में रहते हैं, हम इनको एनरिचमेंट वाले एरिया में ले जाते हैं, वो एक ग्राउंड है जहाँ पर हम इनको घुमा रहे हैं। आज हम इनको लेके जा रहे हैं मेरे रूम में ताकि ये समझे कि घर क्या होता है, अगर ये कभी अडॉप्ट होके जाएंगे तो ये घर कैसा दिखता है, ये घर में क्या सामान होता है ना, कैसे इनको वहाँ रहना है, एडजस्ट करना है। तो धीरे धीरे जब ये अडॉप्ट होके जाएंगे तो शायद नर्वसनेस जो है इनकी कम हो जाए। आज आपका गृह प्रवेश हो रहा है। ओके धनिया कम बेटी कम, ये देखो टॉय टॉय भी हमारे पास, कम पहले एरिया सिक्योर करेगी ना शायद। हाँ ये सब कुछ स्मेल करेगी ना। बच्चा किधर गया था, किधर गया था? घर पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यही रहना है, खुश है ना, क्योंकि बाहर खेलने के लिए भी है, बाहर जाके डॉग देख भी सकता है आसपास क्या हो रहा है, यहाँ घर है अंदर रहने के लिए। तो हम धनिया की तरह सभी डॉग्स को यहाँ पर लेके आएंगे? हम भिंडी को लेकर आएंगे, हम हसी को लेकर आएंगे और इन सब को लेकर आएंगे और धीरे धीरे इनका एनरिचमेंट कुछ दिन हम यहाँ करेंगे ताकि जब कभी भी वो अडॉप्ट होके जाए तो दिक्कत ना आए, उनको पता हो कि घर ऐसा होता है। एकदम से कैनल से सीधा घर जाते हैं किसी के तो वो समझ नहीं पाते ना, ये जगह भी नहीं समझ पाते हैं और इतने सारे सामान है, इतना सारा ब्लॉक्ड स्पेस है तो नई चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करना है, तो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं कई बार, है ना, स्ट्रेस में आ जाते हैं कई बार, तो धीरे धीरे करके ताकि वो ऐसे एनवायरनमेंट की भी आदत रहे, इसलिए नेहा खुद अपने घर लेके जाती है। तो ये तो घर का माहौल मिलेगा ना उन्हें। हाँ बता रही थी कि हंसी तो बिल्कुल ही हंसी तो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वे में जाके सीधा बेड में बैठ जाती है अपने पैर फोल्ड करके और हिलती नहीं है, मतलब बहुत प्यारे डॉग्स है। धनिया भी अभी रिलैक्स्ड है घर में, लाइक डे वन से उसके घर में काफी रिलैक्स है। जानवरों की हेल्प करने के बड़े सारे तरीके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप अपने घर के बाहर पानी का बोल रख दो खासकर गर्मियों में, फिर आप छोटा मोटा फर्स्ट एड सीख लो, फुल टाइम आप रेस्क्यू कर रहे हो, नहीं तो जो फुल टाइम रेस्क्यूअर्स हैं उनकी आप सपोर्ट कर सकते हो फॉस्टर करके। हाँ। कोई पहले आप वो वाले केसेस ले आओ जो रेस्क्यू के आप पूरे ठीक हो गए हैं और अब अडॉप्ट होना है, तो उनको घर में एडजस्टमेंट हो जाएगी तो उनकी अडॉप्शन बेटर हो जाएगी। फिर उसके बाद आप थोड़ा इंजरी वाले केसेस भी ला सकते हो, भाई जिसकी लास्ट स्टेज की हीलिंग बची है, बस ऑइंटमेंट बचाना है, तो उससे भी आप उसके आखिरी के कुछ 1-2 महीने कटवा दोगे। उससे एक डॉग की जगह 2 डॉग की हेल्प हो जाएगी, जहाँ वो रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन में जगह एक की बचेगी तो वो दूसरा डॉग आ पाएगा ना, अगर आप एक हील लगभग हील डॉग को घर लेके जा रहे हैं। व्हाट शी सेड का क्या है कि पीछे वाले पैर का एम्पुटेशन हुआ है ना, ताकि वो अपने तीनों पैरों पे बैलेंस बना ले, अच्छे से चले, गिरे नहीं, तो इस वजह से हम उसका एनरिचमेंट चालू कर रहे हैं। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं ना इसके बिहेवियर में, जब ये पहले आया था तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, हाथ नहीं लगाने देता था अपने आप को, फिर धीरे धीरे इसने हमारे ऊपर ना चालू किया। कौन है? बहुत खुश है।
क्या हो गया अब तू तो सबके पीछे लगा रहता है। एनीवे मैं ये पग लाया हूँ ज्योति को देने के लिए। मेरा फ्रेंड है ना दिल्ली में जसप्रीत, तो उसने अपनी पुरानी पगड़ियाँ भेजी थी कि भाई हम फैब्रिक रीयूज करते हैं। अब ये जो गाय आ रखी है बस इसके हो रखा है जायंट हरनिया और इसकी सर्जरी हुई है तो इसको चाहिए जायंट पट्टियाँ। तो फिर हमें लगा कि भाई इस पग का बेस्ट यूज़ जो है वो उसकी पट्टी के लिए है। पहले मुझे लगा भाई ऐसा ना हो भाई इस पर गोबर लगेगा यूरिन लगेगा तो कोई सोचे डिसरिस्पेक्ट है। फिर मुझे लगा कि नहीं बाबा नानक होते मैं उनसे पूछता कि जी इस पुरानी पग का बेस्ट यूज़ क्या है। हमारे पास एक गाय है जिसे घाव हो रखा है तो वो भी यही कहते हैं कि भाई किसी की मदद करने से बेटर क्या इस्तेमाल हो सकता है। गलत बोला तुम्हारी आंखें बड़ी हो रखी गलत समझ में कैसे आएगा उसको निकल कर। नहीं नहीं यार इतना तो लोग समझते हैं, इतना तो लोगों को क्रेडिट दो, इतना लोग समझते हैं। अगर आपको किसी को लगे कि भाई गलत है तो आप मुझे फिर बता देना कमेंट्स में प्यार से, पर प्लीज हाँ सेंसिटिव हूँ। साहिल स्मार्ट लग रहा है बाल कटा के। आप तो नहीं बचेंगे ना तेरे बाल झाड़ियों में। क्या तूने खुद ही कटाया? पिताजी ने जबरदस्ती कटवा दिए हैं। खुद कटाया ना? ये फंस जाता था रेस्क्यू में, झाड़ियों में जाता था ना, फंस जाता था। कल मुझे छुट्टी चाहिए थी, कल जब तुम लोग मुझे वॉक पे मिले हो वो मैं स्पॉट को वॉक पे लेके गया था लेकिन स्पॉट पे यहाँ पे भूल गया। तो जब तुम लोग मुझे दिखे ना तुम और रेणु तो कुछ हुआ, मैं कहा अरे यार मैं तो डॉग वॉक पे आया और कुत्ता मैं घर भूल आया हूँ। तो मुझे छुट्टी चाहिए थी कल। मेन रोड में किसी ने चढ़ा दी होगी इस पे वो गाड़ी वगैरह कुछ तो। ये हड्डी का टुकड़ा है। बस 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 बच्चे अभी डर में आराम मिल जाएगा, पट्टी कर देंगे। अच्छा अच्छी अच्छी पट्टी कर देंगे। आप गाँव की रहती है? मेबी हमारे पास 2 साल पहले फ्रैक्चर के लिए आई थी और वो हील हो गया था उस टाइम पे, हमने स्पेस सर्जरी करके उसको रिलीज कर दिया था। अभी फिर से उसको फ्रैक्चर हुआ है, ओपन फ्रैक्चर है, एक्सीडेंटल ट्रॉमा जिसकी वजह से उसकी हड्डियाँ मल्टीपल फ्रैक्चर्स है। बेसिकली वो ड्रेसिंग कर रहे हैं और कॉटन से उसको, कॉटन और बैंडेज से थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको एम्पुटेशन सर्जरी ही रिक्वायर्ड है। क्या है कि रस्सी गले की बड़ी ज़्यादा टाइट है, अब जख्म बन सकता है। मौसम भी ऐसा है ना, हल्का सा घाव हुआ तो मैगट वुंड बन जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि पेटन स्ट्रीट करने आए हैं तो इसको रस्सा भी काट ही देते हैं। नहीं 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 डॉक्टर साहब भग जाएगी। हो गया जा। फ्रेंडली है डॉग, मुंह डालना पड़ेगा, ये नहीं काट काटनी झपट्टा मारो ना। हाँ गया। नीचे जाओ नीचे से। सर रुको एक मिनट, ले आओ ले आओ नेट ले आओ। जाने दो जाने दो, चलो चलो हट हट ले करता हूँ बस बस। पता है पैर में इसके दर्द। तो ये पालतू जी आपका? नहीं कोई छोड़ गया, छोड़ गया इसको यहाँ पे। अच्छा यहीं छोड़े हो इसे? लिंपिंग ही है बस, लिंप पेन ही है बस इसको ना, हो सकता है जैसे हाँ वो नस ऊपर नीचे चढ़ जाती है ना कई बार, तब भी हो जाता है। 4-5 बार गया और उसी दिन से हो गया इसको। बस बस इसका ही है, बन गया। अब तो लगा रहा था। क्या हुआ कबूतर? हमें कॉल आया था डॉग पे, गाड़ी चढ़ गई है, टांग टूट गई बोल रहे थे, तो देखने के ये मोटो थी।
अच्छा तो ले आए वापस हम शेल्टर पे इसको। हमने यहीं से स्प्रे करवाया था, इसका फीमेल थी ना ये, बाकी तो बहुत फ्रेंडली है, बेचारी बिल्लियों के साथ भी खेलती है तो। फ्रैक्चर है स्वेलिंग की वजह से इतना मोटा लग रहा है। अच्छा तो जैसे जैसे फ्रैक्चर हील होगा तो ये ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा। आरजे बैंडेजिंग करेंगे, बस उसमें ध्यान ये रखना है कि गीला ना हो। ग्लव्स किस लिए लगाए जा रहे हैं सर? बारिश का मौसम है, मिट्टी पानी कुछ लगे ना ज़्यादा। अब रेगुलरली चेक करना है, 15-15 दिन में खोलना है। इस अंदर सड़न तो नहीं आ रही है। अच्छा मोड। जो पशु हॉलिक संस्था वाला साहिल है ना, वो जब भी यहाँ पे केस लाता है तो मुझे पीपल फार्म के शुरुआती दिन याद आ जाते हैं, जब ना हमारे पास कोई क्लिनिक था ना डॉक्टर, और हम अपने सारे केसेस धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू लेके जाते थे। वो तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हमारे पास क्लिनिक भी है, डॉक्टर भी है, एक रिकवरी सेंटर भी है। तो मैं कहूँगा कि भाई आप जहाँ पे भी है वहाँ के रेस्क्यूअर्स को सपोर्ट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स की हेल्प कर पाएँ। ये मैक्लोडगंज में दो बच्चों थे ना, एक को पहले डॉग्स ने काट के मार दिया था और अभी फिर इसको काट लिया। वहाँ जो आर्मी वाले थे वो बोलते पहले उनको डॉग्स को लंगर वगैरह से कहीं से खाना मिल जाता था, बट शायद अब लंगर वगैरह नहीं लग रहे हैं तो खाना नहीं मिल रहा है। उधर घर भी नहीं है ना ज़्यादा, आर्मी एरिया है वहाँ पे ऊपर, इसी तो पूछ भी नहीं है, पूछ तो नहीं। ये भी डॉग्स ने खाई है, यहाँ तक है अंदर तक। जख्म काटा है ना यहाँ से, मुझे सड़ने लग गया है। ये पूरा खाली है यहाँ से अंदर, रीढ़ की हड्डी तो बची है लेकिन अभी जो इन्फेक्शन पहुँचा है अगर वो हड्डी तक गया तो बैठ जाएगा ना ये। टेटनस का खतरा हो सकता है, हो सकता है डॉग बाइट में भी। डॉग बाइट में भी टेटनस लगता ही है। तो बछड़ा तो अब साहिल की निगरानी में पहले से बेहतर है। अब उसकी चोट का जिम्मा हम सारा डॉग्स को दे दें, इससे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि भाई अगर इंसान भी हद से ज़्यादा भूखा है तो अपनी सोच समझ के बावजूद वो क्राइम करने पर उतारू हो जाता है। तो जानवर तो ना सोच सकता है ना उसको कानून की समझ है, बस वो भूख महसूस कर सकता है। तो अगर हमारे होते हुए इंसान पे निर्भर पशु इतना भूखा है तो दोष इसमें उसका नहीं, हमारा है।